रेकॉर्ड का गीजर है, इसका मॉडल है प्रोंटोनी और ये 6 लीटर का। इसमें स्विच ऑन कर दिया तो दोनों भी लाइटें जल रही है, राइट, जल रही है, पानी भी हीट हो रहा है, लेकिन जो टैप है ना, टैप को ऐसा गुनगुना सा करंट सप्लाई आ जाता है, जब पानी छोड़ देंगे तो टैप को सप्लाई आ जाता है, और एक बार हीट हो गया तो नेक्स्ट टाइम हीट होने को बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है और पानी अच्छे से हीट नहीं कर पा रहा है। तो 99% इसके अंदर का हीटिंग एलिमेंट ही खराब हो रहा है, हुआ है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको खोल देता हूँ, मतलब गीजर को अपन खोल के नीचे ले लेंगे। खोलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका इनपुट वाटर सप्लाई बंद करना पड़ेगा। इनपुट वाटर सप्लाई बंद कर देंगे तो आउटपुट पाइप से, ये देखो, गीजर से पानी आना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, बंद हो गया। तो अभी यहाँ से दोनों भी पाइप को अपन खोल लेंगे, ये शायद लूज ही है तभी जाके हाथ से निकल रहा है, ये भी लूज ही है यार, राइट, ये दोनों भी हाथ से निकल गया। ओके, ये देखो अभी इसके अंदर से पानी निकलेगा, थोड़ा गीजर में 2-4 लीटर जो भी पानी रहेगा वो ड्रेन हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं निकला इसके अंदर से, शायद नीचे लेने के बाद निकल जाएगा। तो मैं गीजर को नीचे ले लेता हूँ। एक्चुअली गीजर को खोल के मैंने नीचे रखा है, तो इसका जो फिटिंग है देखो, सामने से और फ्रंट साइड से नहीं है, 3 लीटर के गीजर में होता है। तो अपने को गीजर को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। मैं गीजर को थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, राइट, उल्टा जब करेंगे तो इसको 6 स्क्रू की फिटिंग है, मतलब तो इधर के 6 स्क्रू इधर का 7 साइड से तीन है और इस साइड में एक, ऐसे टोटल 7 स्क्रू है। स्क्रू को खोल देता हूँ। स्क्रू को खोलने के बाद ये जो 2 स्क्रू दिख रहे हैं ये दोनों को भी खोलना पड़ेगा फिटिंग वाले, तब जाके इसका टैंक बाहर निकल सकता है। तो सारे स्क्रू खोल के मैं आपको गीजर खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो इसका ये जो क्लिप है बैक साइड का इंस्टॉलेशन का, उसको निकाल लिया है और ये सारे स्क्रू भी मैंने खोल लिए। इधर देख सकते हो इसका मॉडल नंबर और पूरा डिटेल्स, नेम प्लेट, रेकॉर्ड का गीजर है, प्रोंटो न्यू मॉडल है, कैपेसिटी 6 लीटर है, इधर वोल्टेज दिया हुआ है, ये सारी चीजें। तो अपन इसको भी सीधा कर देता हूँ दोबारा गीजर को, पर ये सीधा करने से पहले सीधा कर दिया, अभी इसका टॉप को उठा के ले लेंगे साइड में। उठाने के बाद अंदर देख सकते हो इसके अंदर 2 लाइटें लगी हुई है, राइट। तो इसमें से कौन सी लाइट किधर लगी हुई है, ये देखो, जो मतलब ये रेड वायर दोनों के लिए कॉमन ब्लैक दिया हुआ है, कॉमन मतलब न्यूट्रल दिया हुआ है ब्लैक, और ये जो रेड वायर इधर जिधर लगाए हुए है, जो रेड है मतलब जो रेड कलर का जो इंडिकेटर है वो हीटिंग का है, और जो ब्लू कलर का इंडिकेटर है वो इनपुट सप्लाई का, मतलब इनपुट सप्लाई आने पे लग जाता है। तो ये देखो ये इनपुट सप्लाई के लिए TCO के बाद दिया हुआ है ये इंडिकेटर है, और न्यूट्रल दोनों को भी यहाँ से कॉमन दिया हुआ है, कॉइल को भी और दोनों इंडिकेटर को भी। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। तो अपन इसको क्या करेंगे, खोल के मैं पहले साइड में ले देता हूँ टैंक को, टैंक अभी बाहर आ जाएगा, टैंक पूरा खुला हुआ है, टैंक को मैं साइड में ले देता हूँ। खोल के बाहर निकाला है, इसका वायरिंग आप चेक कर सकते हो, ये देखो न्यूट्रल डायरेक्टली कॉइल को जा रहा है, वहाँ से न्यूट्रल अपने दोनों भी इंडिकेटर को जा रही है, ये देखो दोनों भी इंडिकेटर को यहाँ से न्यूट्रल जा रही है, एक इंडिकेटर को लाइन आ रही है अपने TCO के बाद, ये जो थर्मल कटआउट लगाया हुआ है, थर्मल कटआउट के बाद ये लाइन आ रही है, इसका मतलब ये लाइन अपने शो कर रही है पावर का, मतलब इनपुट सप्लाई आया हुआ है। और जो दूसरी लाइट है रेड कलर की, मतलब जो कॉइल के ऊपर लगी हुई है, ये लाइट शो कर रही है अपना हीटिंग, राइट। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये दोनों भी नट निकाल के, ये दोनों थर्मोस्टेट को और पूरी वायरिंग को इधर से अर्थिंग का वायर निकाल के साइड में रख देंगे, बाद में गीजर के सारे भी नट खोल देंगे ये वाले, और सारे नट खोलने के बाद अपन एक कैप को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले नट खोलने से पहले इसको एक जगह पे कहीं पे तो मार्किंग करके रखो, मतलब मार्कर के मदद से, ताकि उसी मार्किंग के ऊपर आप दोबारा इसको फिक्स कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखो कभी भी, क्योंकि अगर मार्किंग हट गया तो दिक्कत आ सकती है। ऊपर का ये चिकट टेप निकाल के आप इसका ग्लास वोल हटा सकते हो यहाँ से, क्योंकि ग्लास वोल तभी जाके नीचे वाले नट को आप पकड़ सकते हो। इसको ये फोमिंग की वजह से जाम हो गया, ये फोम को कट कर दो, मतलब जो फोम से वजह से जो नट नीचे से जाम हुए है उस फोम को हटा दीजिए। फोम को हटाने के बाद ये चिकट टेप को काट देंगे, आपको काट के दिखा देता हूँ। और इसको आप क्या करेंगे, ग्लास वोल को साइड में ले लेंगे, क्योंकि ग्लास वोल बॉडी को क्या बोलते हैं उसको, खुजली हो जाती है ग्लास वोल की वजह से। तो ग्लास वोल को कभी भी साइड में रख दो कोई भी गीजर का। ये देखा आपने, मैंने ग्लास वोल को बाहर निकाल लिया है, ग्लास वोल साइड में रख देता हूँ। बाद में नट देखो, नट को नीचे के साइड से बहुत जगह पे फोम लगा हुआ है, मतलब इधर से और इधर से भी, इसको काटना पड़ेगा, फोम को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तभी जाके ये अपना टैंक खुल सकता है। ये देखो ये सारी फिटिंग्स इसके दी हुई है टैंक को। तो ये थर्मोस्टेट TCO को बाहर निकालना है अपने को। तो ये बाहर निकालने के लिए सबसे पहले अपने को कॉइल के ऊपर का कनेक्शन हटाना पड़ेगा ये वाला, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये थर्मोस्टेट और ये थर्मल कट ऑफ है, दोनों का काम होता है। इसका काम होता है टेम्परेचर अचीव होने के बाद गीजर को कट ऑफ कर देना, अगर इसने कट ऑफ नहीं कर दिया तो ये थर्मल कट ऑफ है ट्रिप हो जाता है, दोबारा ये बटन दबा के आप इसको रिसेट कर सकते हैं। अगर इसने भी काम नहीं किया, गीजर को ऑफ नहीं कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, गीजर फट जाएगा, नहीं फट जाएगा।
उसके लिए इधर फ्यूजिबल ड्रेन प्लग बिठाया हुआ है। बहुत सारे गीजर में उसको एक प्लास्टिक का पाइप लगा के बाहर भी छोड़ा हुआ होता है एक बॉडी से, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट डेड कैप की तरह दिख रहा है। ये फ्यूजिबल ड्रेन प्लग है, अगर दोनों भी थर्मोस्टेट ने कट ऑफ नहीं कर दिया तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है और पानी बाहर निकाल देता है और अपना गीजर फटने से बच जाता है, तो इसलिए ये लगाया हुआ है। तो अभी मैं इसके कनेक्शन निकाल लिया हूँ, अभी मुझे ये टी स्पैनर की मदद से इसको भी हटाना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा गीजर खुल पाएगा। देखो इसको हटा दिया, थर्मोस्टेट निकाल दिया, सारी वायरिंग वगैरह उसको सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, वायरिंग वगैरह वैसे ही रहने दो, खाली इसको थर्मोस्टेट को उठा के साइड में रख दो। पूरा गीजर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा साइड में हो गया है, दोनों भी थर्मोस्टेट खुल गए तो इनको साइड में हटा दो, इनको पानी में नहीं लगना चाहिए। अभी ये सारे नट्स को अपन ये टी स्पैनर की मदद से खोल देते, सबसे पहले इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे मार्कर की मदद से, ताकि क्या हो जाएगा वो अपने को भूल ना जाएगा कि कोई भी एक जगह पे इस मार्कर की मदद से मार्किंग कर देंगे। मेरे नॉलेज से शायद यहाँ पे अर्थिंग लगी हुई थी इस जगह पे, तो इसको क्या करेंगे, इसी पॉइंट को मार्क करेंगे। इधर देखो ये परमानेंट मार्कर है, इधर मार्किंग को मार्क कर दिया, इधर से भी मार्क कर देंगे और इस जॉइंट के ऊपर शायद फोम अपने से हट जाएगा, लेकिन ये फोम का जॉइंट बच जाएगा राइट, ये वाला। तो ये चीज़ आपने को ध्यान में रखेगी, तो यहाँ पे दोबारा आके बैठना चाहिए, अगर ये घूम गया तो थर्मोस्टेट की जगह बदल जाएगी, थर्मोस्टेट की जगह बदल जाएगी तो रिसेट के बटन से वो नीचे से रिसेट नहीं हो पाएगा और ये पाइप भी अपने फिटिंग में नहीं आएगी बैठने के लिए, इसलिए मार्किंग बहुत जरूरी है, मार्किंग के ऊपर ही ये फिक्स होना चाहिए दोबारा ऐसा है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको खोलने के लिए, खोलने के बाद इसको खोल के मैं दिखा देता हूँ सारे नट, मैंने खोल दिए हैं नट, खोलने के बाद इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो बाहर निकालने के बाद देख सकते हो कॉइल के अंदर दिक्कत क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉइल देखो अपने नीचे से पूरी कॉइल फट चुके है, मतलब ये कॉइल के अंदर कुछ भी जान नहीं बची हुई है, कॉइल में पूरा मतलब कट गई है। इधर से देखो इसको अच्छे से, तो ये यहाँ से शायद सॉरी एक मिनट, इधर देखो अच्छे से, इधर से पूरी कॉइल फट चुकी है, इधर मैं नीचे रख के दिखा देता हूँ। ये देखो इसकी वजह से ऐसे अगर फट गई कॉइल, फट गई ऐसे अगर फट गई तो ये पानी के अंदर करंट छोड़ देती है, और ये एक जगह भी नहीं फटी होगी और भी कहीं पे तो फटी होगी ऐसा है। तो इसको मैं खोल के बाहर निकाल देता हूँ कॉइल को और आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये कॉइल पूरी कट हो चुकी है यहाँ से राइट, तो इसको बाहर निकाल के अपन इसके जगह पे 3 किलोवाट की अपनी दूसरी कप कॉइल डाल देंगे। ये देखो इसकी पुरानी कॉइल है और इसके अंदर अपन ये नई कॉइल डाल देंगे, नई कॉइल के और पुरानी कॉइल की साइज देख सकते हो, ये फूक चुकी है मतलब हीट हो के ये फट गई, ये फूक फूक के ही फट जाती है कॉइल, ये बहुत पुरानी हुई ब्रांडेड कॉइल है, मतलब ये बहुत खराब है, ऐसे कुछ नहीं 7-8 साल इसने गीजर चलाया है। अभी ये दूसरी ISI मार्क वाली कॉइल अपन इसके अंदर डाल रहे हैं, ये देख सकते हो जिसका इसका भी 1 साल का वारंटी है, इस टाइप की कॉइल है। और दूसरी चीज़ है कि इसके ऊपर भी लिखा होगा ये ISI मार्क वगैरह सारी चीज़ें राइट, तो ये भी ब्रांडेड कॉइल है। आपको भी अगर इस तरीके से कॉइल ऑर्डर करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, या मैं आपको अमेजोन का लिंक भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, यही सेम टाइप सेम कॉइल आपको मिल जाएगी जिसका लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत दिन तक चलेगी और हेवी कॉइल है ये भी राइट। तो ये भी गीजर के अंदर का जो पानी है अपन इसको फेंक देंगे, मैं ड्रेन कर देता हूँ, और इसके अंदर स्केलिंग भी रहेगा बहुत सारा, स्केलिंग मतलब हार्ड ऑर्डर, क्योंकि पानी भी थोड़ा गंदा दिख रहा है मुझे, शायद हो सकता है इसलिए बहुत अच्छा खासा स्केलिंग होगा। इधर देख सकते हो राइट स्केलिंग, देखो इसके अंदर कितना है, इसमें मैं उल्टा करके आपको दिखा देता हूँ टब में। इधर देखो ये सोना कितना निकला हुआ है इसके अंदर, मतलब आधे से 1 kg इतना अंदर स्केलिंग ही निकली हुई है, बराबर। और भी टैंक के अंदर बची हुई थी, टैंक को अपने को क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से, क्लीन करने के बाद दोबारा नई कॉइल अपने इस प्लेट के ऊपर असेंबल कर देंगे और गीजर को फिक्स कर देंगे, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो अभी इसको मैंने क्लीन कर दिया है, टैंक को अभी पूरा क्लीन करके इसको उल्टा रख दिया है सूखने के लिए, देखो टैंक के अंदर के पूरा कचरा निकाल लिया है, इसको सूखने के लिए उल्टा रख दिया है। अभी इसके अंदर जो नया हीटिंग एलिमेंट है अपने पास, ये हीटिंग एलिमेंट को इसके नीचे कचरा वगैरह को कुछ देख लो, ये इधर से बेंड वगैरह के कुछ ये भी सारी चीज़ें चेक कर लो। उसके बाद हीटिंग एलिमेंट को यहाँ से अपन अंदर डाल देंगे, इधर देखो ये किधर भी चिपक नहीं रहा है, ऐसा मतलब इस पाइप को ये हीटिंग एलिमेंट के सारे जगह से गैप रहना चाहिए, हीटिंग एलिमेंट अच्छे से बैठा है। अभी इसका ऊपर का कैप डाल के अपन हीटिंग एलिमेंट को टाइट कर लेंगे राइट, ये थोड़ा ये हाँ बैठ गया अंदर, अभी इसको नहीं बैठा तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा दबा दीजिए पकड़ की मदद से, इसको टाइट कर लेंगे अभी टी स्पैनर की मदद से, 2-3 थ्रेड अपने को हाथ से टाइट करना पड़ेगा, कर दिया, अभी स्पैनर की मदद से इसको फिक्स कर देंगे, क्लियर है।
इसको थोड़ा अच्छे से कस दीजिए, इतना भी ज्यादा टाइट मत कर दीजिए ताकि वो टूट जाए। ओके, और इतना भी कम नहीं रखना टाइट कि ये वाटर लीक कर देंगे। ये इस तरीके से भी इतना टाइट होना चाहिए। और इसको सीधा कर देंगे कपड़े की मदद से, थोड़ा टैंक को पोंछ लेंगे। और अपन जो मार्किंग किया था मार्किंग को ढूंढेंगे पहले, क्योंकि मार्किंग के विदाउट मार्किंग अगर बिठा दिया तो ये सही नहीं रहेगा अपने लिए। ये देखो इधर अपन थोड़ा सा मार्किंग किया हुआ था और इसके ऊपर भी इधर देखो ये मार्किंग किया है, तो ये इस मार्किंग को ऐसा मैच करना पड़ेगा, तभी जाके थर्मोस्टेट कॉइल सारे चीज़ें उसकी जगह पे आ जाएंगे। ये मार्किंग और इधर का मार्किंग मैच हुआ, तो अभी सारे नट मैं टाइट कर देता हूँ। नट टाइट करने के बाद थर्मोस्टेट वगैरह बिठा के इसको जो दोबारा बॉडी के अंदर बिठा के चालू करके दिखा देता हूँ आपको। गीजर सारा गीजर असेंबल करके गीजर को अभी मैंने चालू कर दिया है, स्विच ऑन कर दिया है। गीजर के दोनों भी इंडिकेटर जल रहे, टैप को किधर भी सप्लाई नहीं रहा और पानी भी लाइटली हीट हो चुका है। इसका मतलब अभी गीजर पूरा वर्किंग सही से कर रहा है। अगर आपके भी कॉइल फटी हो, कोई सप्लाई आ रहा हो तो अलर्ट हो जाओ, गीजर को रिपेयर करवा के लो करंट के अंदर गीजर को यूज़ मत।